और यहाँ मैंने जो है तकरीबन आधा किलो जो है बासमती राइस को मैंने भिगो दिया है। तो ये बासमती राइस हम इसके साथ बनाएंगे, सिंपल से वाइट राइस बनाएंगे। और इसमें सिर्फ जो है ये एक प्याज मैंने जो है दरमियाने साइज़ की एक प्याज थी उसको मैंने इस तरह चॉप कर दिया। तो चले व्यूअर्स, पहले हम अपने आलू कीमे की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको राइस बनाना बताऊंगी। आलू कीमे के लिए सबसे पहले मैं आलू को बॉईल करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये बहुत झटपट बनेगा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आलू को बॉईल कर लूँगी। आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ मैं तकरीबन इसमें डेढ़ गिलास पानी डाल के और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाल के मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ मैंने पैन में तकरीबन जो है हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करके उसको ब्राउन करने के लिए रख दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे ऑयल से निकाल देंगे और इसी ऑयल में हम कीमा ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कीमा रेडी करके बताऊँगी, फिर उसके बाद हम राइस की तरफ आएँगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो गए तो उसे मैंने निकाल दिया है। अब ये प्याज और जो मैंने आपको टमाटर लिखवाए थे, इन दोनों चीज़ों को जो है मैं ग्लैंडर में ग्लैंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और अब जो है मैं उस जिस ऑयल से मैंने प्याज निकाले हैं उस ऑयल में मैं कीमा और ये अपना 3G पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कीमा और ये जो है 3G पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 2 मिनट इसके साथ पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करूंगी। चले व्यूअर्स, जब तक कीमे का पानी ड्राई होता है तो तब तक हम अपने राइस की तरफ आ जाते हैं। राइस के लिए मैंने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने तकरीबन जो है 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं उसमें ये एक प्याज जो है मैंने काटी हुई जो थी प्याज वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें जो है तकरीबन हाफ कप जो है मटर ऐड कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है नमक ऐड करूंगी और जो है हाफ टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन जो है 2.5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। मैं अब इसमें मटर ऐड करने वाली थी लेकिन अभी मैं इस स्टेज पे मटर नहीं ऐड कर रही। जब इसमें पानी थोड़ा जब चावल मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी तो जब चावल हल्के से बॉईल हो जाएंगे फिर मैं इसमें मटर ऐड करूँगी ताकि मटर मेरे खिले खिले लगे। ये देखिए व्यूअर्स, कीमे में पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें 1.5 चम्मच जो है नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। ये देखिए व्यूअर्स, 2 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया। ये 2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर गया। तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैं इसको कीमे को हल्का सा इसके साथ भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर और प्याज का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें ये टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है कीमे को 2 मिनट भूनने के बाद। अब मैं इसकी इसके साथ जो है इसको अच्छे से भूनूंगी। जब टमाटर और प्याज का जो है ये बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर का पानी तमाम खुश्क हो जाएगा, अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इसमें बॉयल किए हुए आलू ऐड कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, कीमे का ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसको इसमें जो है वो जो मैंने आलू बॉईल किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इस कीमे को इस आलूओं के साथ 2 मिनट इसको पकाऊंगी। 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करके और जो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब मैं इसको 2 मिनट पकाऊँगी। 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर 1/2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट मैंने इसको आलूओं के साथ कीमे की बुनाई कर दी। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 1/2 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको बताऊंगी। ये मज़ेदार सा झटपट आलू कीमा रेडी है और वहाँ राइस भी मैंने दम पे लगा दिए। तो मैं ये दोनों चीज़ें आपके सामने